गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन तो मेरे लखनऊ में बारिश तेज हुई दोस्तों, तो प्लांट को थोड़ा भीग जाना पड़ा, लेकिन उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। देखिए, मैंने 3 दिन पहले इस प्लांट की प्रूनिंग करी थी, और देखिए इस प्लांट को मैंने कल आपको दिखाया था दोस्तों कि बारिश में मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया था दोस्तों, तो इसको कोई नुकसान ही नहीं हुआ। और देखिए सारी ब्रांचेस खूब अच्छी तरह से सूखी सूखी हुई हैं। और देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए छोटे छोटे से स्प्राउट भी आ गए हैं हमारे। देखिए ये छोटा सा स्प्राउट भी आ गया है, और दिखा रही हूँ दोस्तों, ये देखिए बहुत छोटा सा इसमें फुटाव आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो लंबी लंबी शाखाएं होती हैं दोस्तों, ये अच्छी नहीं लगती हैं। अब इस प्लांट को मैं देखिए आज बता रही हूँ, इस प्लांट को मैं इतना बुशी और बोनसाई बनाना चाहती हूँ। तो कुल इसमें देखिए 1 2 3 4, एक छोटी सी और है, 5 ब्रांचेस हैं। और इसमें देखिए कितनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11-12 ब्रांचे हैं। ये पूरी तरह से बोनसाई बन चुका है दोस्तों। अब इनको मैं क्या करने जा रही हूँ, इनकी प्रूनिंग करूँगी दोस्तों। आज बहुत तेज धूप निकली है लखनऊ में, और धूप में ही बैठ के मैं सारा काम करूँगी। यहाँ से अगर प्रूनिंग हम कर देंगे दोस्तों आज के समय में, तो मार्च आते ही आते, फरवरी लास्ट और मार्च आते ही आते दोस्तों, इसमें फुटाव के साथ साथ, फुटाव तो अभी आ जाएगा अगर तेज धूप निकलती है, तो फुटाव एक हफ्ते में आ जाएगा, फुटाव के साथ साथ दोस्तों फरवरी और मार्च में आते ही आते इसमें पत्तियां कम निकलेंगी, और जितने फुटाव होंगे उसमें लगातार फूल आते रहेंगे। और जो फरवरी और मार्च में हम लोग प्रूनिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें फुटाव आते आते मार्च लास्ट और अप्रैल हो जाता है, और उसमें फुटाव के साथ कलियों के साथ, नई शूट्स के साथ कलियां नहीं आती, कलियां बनते बनते अप्रैल मई लग जाता है। इसलिए अगर हमको मार्च फरवरी में ही फ्लावरिंग चाहिए, तो अभी भी जो फ्लावरिंग बंद हो गई है दोस्तों, देखिए इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं है, इस प्लांट में फ्लावरिंग है, तो इसमें मैं प्रूनिंग नहीं करूंगी, इसकी प्रूनिंग अपने करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे जिस सीजर और चाकू का इस्तेमाल करना है दोस्तों, उसको फंजीसाइड पाउडर लगा लीजिए, या तो आप देखिए मोमबत्ती को गर्म कर लीजिए और इसको स्टरलाइज कर लीजिए। जितने इसमें कीटाणु होंगे, इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा दोस्तों। देखिए इस तरह आग में अपने चाकू को आप सेक लीजिए। अब देखिए मैं प्रूनिंग करने जा रही हूँ दोस्तों, यहीं से करूँगी प्रूनिंग, और प्रूनिंग का कट ऐसे वी शेप में लगाना है दोस्तों आपको। ये देखिए अब यहाँ से खूब अच्छे अच्छे बोनसाई प्लांट बन के आएंगे हमारे। ये शाखाएं बिल्कुल बेकार हैं दोस्तों, हम जब फरवरी में प्रूनिंग करते हैं दोस्तों तो उसकी कटिंग्स लग जाती हैं, लेकिन अगर आज हम लगाएंगे इनको मिट्टी में, तो ये इसमें जड़ें नहीं फूटेंगी, एक बार में कटना चाहिए देखिए। और एक ब्रांच को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी दोस्तों, जिससे कि ये अपने भोजन और पानी पाते रहें। और जो सैफ निकलता है दोस्तों, उसको किसी कॉटन से, इस समय कॉटन तो मैं लाना भूल गई, किसी चीज से भी आप पोछ सकते हो। अब पोछने के बाद दोस्तों करना क्या है, हमको वही मोमबत्ती जला लेनी है, हवा चल रही दोस्तों, थोड़ा मोमबत्ती पकड़ नहीं रही है, ये देखिए दोस्तों जल गया। और सारे कटे हुए हिस्सों पर दोस्तों इसको पूरी तरह से पैक कर दीजिए, ऐसे मोम चुआ दीजिए। ये देखिए जहां जहां मोम चुएगा एकदम ये फैक्स हो जाएगा, एकदम सील बंद हो जाएगा दोस्तों। ऐसे कर लीजिए और इस पे चुआ दीजिए टेढ़ा करके ऐसे, और जब ये सील बैक हो जाएगा दोस्तों, तो इस पे कोहरे का, पानी का कोई भी असर नहीं होगा अच्छी तरह से। ये देखिए मोम जम भी गई है दोस्तों। अब इस
फुटाव आएगा और इसके ऊपर कोई भी पाले का असर नहीं होगा। पाले का असर नहीं होगा तो दोस्तों इसमें खूब अच्छी अच्छी फ्लावरिंग फुटाव आएगा और फरवरी लास्ट या मार्च आते आते दोस्तों इसमें कलियों के साथ ही फुटाव बढ़ने लगेगा और आपको फरवरी से ही देखिए खूब अच्छी तरह से मोम टपका के ऐसे दोस्तों फैस कर दीजिए, एकदम पैक कर दीजिए। देखिए जितना अच्छा मोम चपकेगा उतनी अच्छी इसकी पैकिंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने एक शाखा क्यों छोड़ रखी है दोस्तों, तो जब इसमें हम खाद पानी या फर्टिलाइजर देंगे या फंजीसाइड पाउडर देंगे तो ये सारा इसमें एनर्जी इस ब्रांच से प्लांट को सारी एनर्जी मिलती रहेगी दोस्तों। इसलिए अगर आपको मार्च अप्रैल में मार्च फरवरी मार्च में ही फ्लावरिंग चाहिए एडेनियम में और आपको बोनसाई प्लांट बनाना है तो आप अपने प्लांट को अभी काट दीजिए और ऊपर से मोम टपका के इसको सील पैक कर दीजिए और जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे जरूर कर दीजिए, आपका प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। और अगर बारिश वारिश होती है दोस्तों तो मैंने जो कल तरीका बताया था उसको ऐसे ही पन्नी से कवर कर दीजिए और धूप निकले तो खोल दीजिए। इस समय तो नहीं है, मैं आपको बताने के लिए ही बांध रही हूँ। ये देखिए इस समय प्रॉपर धूप में प्लांट रखा हुआ है। एक हफ्ते के अंदर मैं इसके फुटाव का अपडेट दिखाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी ये तरीका अपना लीजिए। थैंक यू।